वायु अन्य दोषों और रस, रक्त, मांस, मेद आदि धातुओं को दूसरी जगह पहुंचाने वाली, शिखर चलने वाली, रजोगुण युक्त, सूक्ष्म, हल्की, रूखी और चंचल है। श्वास लेना और छोड़ना इसी से होता है। वायु धातु और इंद्रियों की चतुराई पूर्वक रक्षा करती है। इन इंद्रियों, हृदय और चित्त को धारण करती है। यह शीतल, नरम और योगवाही है। योगवाही यानी जिसके साथ यह मिलती है, उसी जैसे गुण प्रकाशित करती है। सूरज के साथ मिलती है तो गर्मी करती है, और चंद्रमा के साथ मिलती है तो शीतलता करती है। पित्त के साथ मिलकर पित्त जैसे कार्य करती है, तथा कफ के साथ मिलकर कफ जैसे कार्य करती है। त्रिदोषों में वात यानी वायु ही प्रधान है। बिना वायु के प्राणी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। देहधारियों के लिए बाहरी और भीतरी दोनों ही वायु परम आवश्यक होती हैं। बाहरी वायु प्राणियों को जीवित और चैतन्य रखती है, और भीतरी वायु शरीर के भीतर काम करती है, कहीं रस को, कहीं रक्त को, कहीं वीर्य को और कहीं भोजन को पहुंचाती है। यह शरीर में सफाई करती है तथा मल मूत्र को निकालकर बाहर फेंकती है। इसके अनेक काम हैं। जितने दोष और धातु हैं वे सभी अपाहिज हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं। यह वायु वात उन्हें जहाँ भी ले जाती है वे वहीं चले जाते हैं। जिस प्रकार वायु बादलों को इधर से उधर तथा उधर से इधर उड़ाकर ले जाती है, ठीक उसी प्रकार शरीर के भीतर की वायु काम करती रहती है। वायु के स्थान हैं कंठ स्थान, कोठे की आग, मलाशय और संपूर्ण शरीर में। ये पांच स्थान के रहने के स्थान हैं। कंठ में उदान वायु, हृदय में प्राण वायु, कोठे में अग्नि के नीचे नाभि में समान वायु, मलाशय में अपान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान आयु वायु का निवास रहता है। उदान वायु, यह वायु गले में घूमती है। इसी की शक्ति से प्राणी बोलता है, चीखता है, गाता है। जब यह वायु कुपित होती है तब कंठ के रोगों को उत्पन्न करती है। प्राण वायु, यह वायु प्राणों को धारण करती है और सदैव मुंह में चलती है। यह भोजन के अन्न को भी भीतर प्रवेश कराती है तथा प्राणों की रक्षक है। यह वायु कुपित होकर हिचकी और श्वास रोग उत्पन्न करती है। समान वायु, यह वायु अमाशय और पक्वाशय में विचरती है, यानी घूमती है, फिरती है, तथा जठरग्नि से मिलकर अन्न को पचाती है तथा अन्न उत्पन्न हुए मल मूत्र को अलग अलग करती है। यह वायु कुपित होकर मंदाग्नि, अतिसार और वायु गोला जैसे रोगों को उत्पन्न करती है। अपान वायु, यह वायु पक्वाशय में रहती है। मल मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव, स्त्रियों का मासिक धर्म, उनको निकालकर बाहर करती है, फेंकती है। यह वायु कुपित होकर मूत्राशय और गुदा के रोगों को उत्पन्न करती है, एवं शुक्र दोष, प्रमेह और व्यान वायु तथा अपान वायु के कोप से होने वाले रोग उत्पन्न करती है। व्यान वायु, यह वायु संपूर्ण शरीर में विचरती है। यह रस, पसीना और रक्त को बहाती है। चलना, नीचे को डालना, ऊपर को फेंकना, आँख मीचना, बंद करना, आँख खोलना, ये शरीर के रोगों को प्रकट करती है। विशेष यह है, जब यह पांचों प्रकार की वायु वात एक साथ कुपित हो जाती है तब निसंदेह शरीर का नाश करती है, अर्थात प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब वायु बिगड़ने के जो लक्षण हैं उनके बारे में बात करते हैं। अंग मर्द, अनिवार्य त्रिसा, मर्दन की सी पीड़ा, कंप, सुई चुभने जैसी पीड़ा, रस्सी के बंधने जैसी पीड़ा, मल की कठोरता, शरीर का रंग लाल हो जाना, मुंह का स्वाद कसैला हो जाना, सांस न आना, शरीर सूखना, शूल शरीर का सो जाना, शरीर का सिकुड़ना, शरीर का रह जाना, जैसे लक्षण वायु कोप के लक्षण हैं। मामूली तौर पर वायु का कोप होने से शरीर में थकान सी प्रतीत होने लगती है, पाखाना, पेशाब कम होते हैं, आँखों में नशा सा जान पड़ता है, नींद नहीं आती है, पेट फूल जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, पीठ का बांसा दुखने लगता है, सिर में दर्द होता है, छाती और कनपटियों में दर्द होता है। वायु कोप के कारण हैं चरक संहिता अनुसार। चरक संहिता में लिखा है कि रूखे, हल्के व सूखे पदार्थों के सेवन,
अत्यधिक परिश्रम करना, अत्यधिक वमन होना, जुलाब अधिक लेना, आस्थापन का अति योग, मल मूत्र छींक जंभाई इत्यादि शारीरिक वेगों को रोकना, अधिक उपवास करना, चोट लगना, अत्यधिक स्त्री समागम संभोग करना, घबराहट चिंता तनाव की अधिकता, रक्त का निकलना, रात्रि जागरण, शरीर को बेकायदे टेढ़ा तिरछा करना, ये सभी वायु के प्रकोप हैं, वायु कोप के कारण हैं। हरित संहिता के अनुसार अत्यधिक कसैले और शीतल पदार्थों का सेवन करना, अधिक खाना, अधिक चलना, अधिक बोलना, अधिक भय करना, रूखी कड़वी और चरपरी अधिक मिर्च मसाला युक्त खाद्य वस्तुओं का सेवन, ऊंट घोड़ा हाथी रथ पालकी इत्यादि की अधिक सवारी करना, ठंड के दिनों में बादलों से घिरे दिनों में तथा दोपहर के बाद स्नान करने से मसूर मटर मोठ चौला ज्वार जौ मोटे चावल काला अन्न शीतल अन्न लाल अन्न कांगनी गुड़ियानी का पकाया भात बथुआ प्याज गाजर आदि अन्न और शाकों का अत्यधिक सेवन किया जाए तो भी वायु कुपित होती है। मुख्यतः वात प्रकृति मिजाज वालों का को रूखे कड़वे कसैले चरपरे पदार्थों बासी भोजन ठंडा भात व्रत उपवास अधिक स्त्री प्रसंग व अति तैरना आदि से बचाव आवश्यक है। बरसात के मौसम में तथा जब भी किसी भी मौसम में जब बादल छाए हुए हों तब वात का कोप होता है, इसलिए ऐसे समय में कम नहाना, गर्म कपड़े पहनना और गर्म खाना अच्छा होता है। वायु वात की शांति के उपाय, वैद्य को वात वायु से पीड़ित रोगियों को खट्टे मीठे खारे चिकने और गर्म द्रव्यों द्वारा रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए। खट्टे मीठे खारे चिकने और गर्म द्रव्यों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। पसीना दिलाना, तेल की मालिश करना, कम हवा आती हो ऐसे स्थानों में सोना, भारी भोजन करना, गोता मारकर स्नान करना, सिर में तेल लगाना, गुनगुना जल, मूंग गेहूं घी नया उड़द लहसुन मुनक्का मीठा अनार पके आम आंवले कैथ गोमूत्र हरड़ पका ताड़हल मिश्री चीनी गाय का दूध और सेंधा नमक जैसे पदार्थ वायु वात को शांत करते हैं। वायु के लक्षण हैं, शरीर में शिथिलता मंद चेष्टा उदासी थोड़ा बोलना नाड़ी अवसन्नता स्वर्ण शक्ति का कम हो जाना, ये लक्षण उस समय होते हैं जब प्राणी के शरीर में वात वायु कम हो जाती है। यह आचार्य सुश्रुत ने कहा है, वायु कम होने पर मंद चेष्टा उदासी थोड़ा बोलना नाड़ी अवसन्नता स्मरण शक्ति का कम हो जाना, ये लक्षण उस समय होते हैं। और चरक संहिता में सूत्र स्थान में लिखा है कि वायु के क्षीण होने से कुपित पित्त यदि कफ की चाल को रोक दे तो तंद्रा भारीपन और जबर होता है। एक अन्य स्थान पर लिखा है कि वायु वात के क्षीण होने पर प्रलाप भारीपन तंद्रा निद्रा थूक में कफ और पित्त का आना तथा नाखूनों का गिरना ये लक्षण होते हैं। वायु वृद्धि के लक्षण, जिस प्रकार वायु की कमी होती है ठीक उसी प्रकार वायु की वृद्धि भी होती है। चमड़े त्वचा की कठोरता शरीर का फड़कना गर्मी की इच्छा नींद का न आना अनिद्रा कमजोरी मल का सूख जाना तथा मल का कम होना ये वायु वृद्धि के लक्षण हैं। वायु का समय, वृद्धावस्था में वायु वात का जोर होता है इसलिए इस अवस्था में प्रायः वायु का प्रकोप होता है। दिन का और रात्रि का अंतिम समय यानी दिन व रात के 2 बजे के बाद का समय वायु का समय होता है। इसी प्रकार भोजन पच चुकने के बाद भी वायु का समय होता है। बरसात वायु कोप का मुख्य समय है। हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में भी वायु प्रकोप होती है तथा साथ ही शरीर में रूखापन होता है। आचार्य हरित के अनुसार कार्तिक अगहन माघ आषाढ़ और हेमंत ऋतु में और 6 ऋतुओं की संधि एक ऋतु का अंत है और दूसरी ऋतु का आरंभ हो तो उसको ऋतु संधि कहा जाता है। अब ऋतु संधि के समय वायु जहरीली विषैली होती है। ये आज हमने आपको बताया वात से संबंधित रोग, वात के लक्षण, वात के कारण, वात की अवस्था, वात के स्थान, वात के प्रकार। ऐसे ही हम अगली वीडियो आपको देंगे।
पित्त क्या है, इसके स्थान क्या हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसके रोग क्या हैं, इसके बढ़ने पर क्या रोग होता है, घटने पर क्या रोग होता है, ऐसी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।